जज साहब कहेंगे सुनो ना, महीने के लास्ट में एक लोक अदालत बैठा रहे हैं, मामला लेके तुम अपना लोक अदालत में चले जाओ। तो मामला कहाँ जाएगा? लोक अदालत। अब लोक अदालत एक अलग टाइप का अदालत है ससुरा, इसमें फैसले नहीं सुनाए जाता है। अब लोक अदालत एक अलग टाइप का अदालत है ससुरा, इसमें फैसले नहीं सुनाए जाता है, समझौता किया जाता है। लोक अदालत वह न्यायालय है जिसमें क्या किया जाता है, क्या सुनाया जाता है? समझौता। जैसे अगर आप मामला कहाँ लेके चल जाएंगे? लोक अदालत, अदालत, लोक अदालत, समझना क्या कि नहीं? लोक अदालत। अब जैसे किसी का सेशन कोर्ट में झगड़ा चल रहा है, नॉर्मल मामला है कि कोई धमकी दे दिया था, झोटा नोच दिया, मेरा बकोट दिया, इसे चल गया छोट मोट मैटर, तो जज साहब कहेंगे सुनो ना, महीने के लास्ट में एक लोक अदालत बैठा रहे हैं, मामला लेके तुम अपना लोक अदालत में चले जाओ। तो मामला कहाँ जाएगा? लोक अदालत। जज साहब के सामने दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, साइन हो जाएगा, खत्म कहानी। लोक अदालत के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते, क्योंकि बिना किसी दबाव में कोर्ट में सामने आपको दोनों में क्या किया जाता है? कॉम्प्रोमाइज करा। जैसे दो को मकान मालिक का किराएदार में हो गया, हम खाली ना करेंगे, जा यहाँ पे, हम रहेंगे यहीं पे। मकान मालिक क्या किया? छत पे चढ़ के लिंटर फोड़ दिया, जा ससुरा तूने, हमारा घर है, तुम कैसे नहीं रहने देगा, फोड़ देंगे लिंटर, पूरा बरसात में दह गया उसका सामान वामान, नहीं समझा, बिजली काट दे यहाँ पर। एक तल्ला पे मकान मालिक रह रहा है तो निचवा ससुरा 25 को सुअर पाल दे, नहीं समझा, कूड़ा फेंक दे नीचे, मकान मालिक तो तंग करना, आप किसी को तंग करना चाहेंगे तो तंगे कर देंगे ना, ले आके पूरे गांव का कूड़ा फेंक दे नीचे भी, तो बवाल होगा इसमें। तो अगर कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो किसमें चल जाइए? लोक अदालत। किसमें? लोक अदालत। तो लोक अदालत के खिलाफ कहीं जा सकते हैं? अब फैमिली कोर्ट के खिलाफ तो आप और भी अपील कर सकते हैं। जैसे फैमिली कोर्ट ने कह दिया कि मेंटेनेंस के लिए 2000 रुपया दिया जाए, तो महिला कहेगी ना कि 2000 के आज के महंगाई के जमाने में 2000 में कौन चीज का मेंटेनेंस हो रहा है? कोई मेंटेनेंस नहीं हो सकता है यहाँ पे। मेंटेनेंस एक अच्छा राशि मेंटेनेंस में देना चाहिए ताकि पढ़ाई लिखाई हो सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कोर्ट भी मेंटेनेंस के लिए कह देती है कि बच्चों का फीस अलग से, मेडिकल का खर्चा अलग से, बाकी कुछ अलग। अब वो कोर्ट देखती है कितना मेंटेनेंस देना चाहिए। आगे